संत विजयदास की मौत के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भरतपुर स्थित ब्रिज 84 आस्था का स्थान है, लेकिन वहां लगातार हो रहा खनन चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर राज्य सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए। हृदय विदारक सूचना है कि पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है, जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है,